राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी पर बीच बाजार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह घटना तब हुई जब वो रोज की तरह जिम के लिए पहुंचे थे। वहीं जब वो अपनी कार से उतरे और पानी की बोतल हाथ में ली, वैसे ही हमलावरों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। करीब 12 से 15 गोलियां उन पर दागी गईं। गोलियां दो हमलावरों ने एक साथ चलाईं, जिसमें एक ने ड्राइवर की तरफ से तो दूसरे ने दूसरी ओर से। हालांकि ड्राइवर विकास खुद थे और उनके साथ कोई और नहीं था, इसलिए इनकी गर्दन छाती पर सीधी गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर सफेद रंग की कार में सवार थे। वहीं जब कांग्रेस प्रवक्ता को उपचार के लिए डॉक्टरों के पास ले जाया गया, तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। तो शुरुआती जांच में ये पता लगा कि SX4 गाड़ी विदाउट नंबर, उसमें 4 लोग थे और उन्होंने गोलियां चलाई हैं। अभी उसमें ये पता लगा अंदाजा तो अभी कुछ नहीं, अभी दस अभी की तो बात है, अभी बस इतना ही पता चला कि ये गाड़ी की। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज़।